हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पे। सो आ गए हम अपने के साथ। सो इस ड्राइंग में हम बना रहे हैं देवी लक्ष्मी की, जो कि दिवाली स्पेशल है। और अभी हम फेस को ड्रॉ कर रहे हैं, और फेस इतना छोटा है, ऑयल पेस्टल से बनाना इतना ईजी नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अच्छा बन पाए। और हमने फेस पे पहले तो वाइट कलर यूज कर लिया, क्योंकि छोटा सा फेस है तो हर तरफ वाइट रहेगा, तो उस पर हम कोई भी कलर ऐड करेंगे तो अच्छे से स्मूथनेस से। या फिर पेंसिल कलर भी आप यूज़ करोगे ना छोटे ड्राइंग जब बनाना हो, तो अगर आप उसको स्मूथली बनाना चाहते हो तो आप उस पर ना वाइट कलर यूज करके आप उस पर पेंसिल कलर, कोई भी पेंसिल कलर यूज करोगे ना, तो सच में बहुत स्मूथनेस बनती है ड्राइंग पेंसिल कलर से। ऐसे आप पेंसिल कलर से बनाओगे तो आपके थोड़ी सी मतलब खुदरा खुदरा जैसा हो जाता है ड्राइंग, जब तक आप उसमें प्योरिटी मतलब फुल उसमें वाइट कलर या स्किन कलर ऐड नहीं करोगे तब तक वो स्मूथ नहीं होता है। सो उसमें हमने येलो कलर यूज़ किया है, पिंक कलर यूज़ किया है, ब्राउन कलर यूज़ किया है स्किन के लिए, और आई के लिए पेंसिल कलर यूज़ किया है। और जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत लग रही है फेस पे, सो हम वहाँ फेस पे वो वाइट कलर से उसको शाइन देने के लिए कर रहे हैं। और जब मुकुट की बारी है तो उसमें हमने पहले तो वाइट कलर यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने जहाँ पे मतलब जहाँ पे लाइट शाइनिंग गिरी है वहीं पे वाइट कलर यूज़ किया, उसके बाद हमने डार्क ब्राउन यूज़ किया, फिर लेमन येलो, ये कलर यूज़ करने के बाद बीच बीच में जहाँ पे मेरे को शाइन चाहिए वहाँ पे हमने ज़्यादा कलर ब्राउन वगैरह यूज नहीं किया, वहाँ पे थोड़ी येलो ही छोड़ दिया। पेंसिल कलर से उसमें के जो डिज़ाइन वगैरह है उसे हमने बनाया है, और जहाँ जहाँ मेरे को डार्क लग रहा है वहाँ पे हम पेंसिल कलर डार्क कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमने अंदर जो डिज़ाइन किया वो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप जैसे कि ऑयल पेस्टल से स्क्रेच बहुत अच्छे से हो जाता है, अगर आप पहले वाइट कलर यूज करोगे, येलो कलर यूज करोगे और उस पर ब्राउन कलर यूज़ करोगे, तो आप ऐसे पेंसिल वाइट कलर का पेंसिल कलर लेकर के आप उस पर बस ऐसे मतलब कुछ भी ड्रॉ करो तो इतना मतलब अंदर का जो कलर है बाहर निकल के आता है। तो ऐसे भी आप करके ना मुकुट या फिर कहीं डिजाइन वगैरह करना है तो कर सकते हो, उससे बहुत सुंदर बनेगा सच्ची। आपको फिर पेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वाइट कलर की शाइन के लिए, वो अंदर से शाइन निकल के आएगा। सो हमने मुकुट बनाने के लिए पेंसिल कलर यूज़ किया है, और ऑनेस्ट रेड कलर जहाँ पे डिजाइन करना है वहाँ पे मैंने रेड कलर यूज़ करके चारों तरफ से पेंसिल कलर से बना दिया है। और जब फ्लावर है लोटस में तो बीच में हमने वाइट कलर यूज़ करके दोनों साइड पिंक डार्क पिंक यूज़ कर दिया है। उसके बाद हमने इयररिंग को बनाने के लिए उसमें येलो कलर यूज़ किया है, येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने रेड कलर यूज़ किया है जगह जगह पे, जहाँ पे मैंने तो कान में का जो बनाया है झुमका ना, वो तो खुद से ही बनाया, उसमें जैसा रेफरेंस में था ना वैसा नहीं बनाया। और सच्ची बोल रहे हैं, जो फेस है ना फेस भी हमने खुद से ही बनाया है, उसमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको रेफरेंस देखने की, तो खुद से बनाने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि खुद से बनाने से जो रेफरेंस है खुद से बनाने से बहुत अच्छा निखर कर आता है, खुद का वो होता है निकलता कि हाँ हम कैसा बना सकते हैं। फ्री हैंड बनाना चाहिए ज़्यादातर, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मतलब, तो आपको डेली फ्री हैंड कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, फ्री जब भी फ्री टाइम मिले तो। हम तो डेली कुछ ना कुछ फ्री टाइम में बनाते हैं, सिर्फ अपना वेस्ट नहीं करते टाइम। सो हेयर ड्रॉ करने के लिए हमने यूज़ किया येलो कलर, ब्राउन कलर और थोड़ा सा ब्लैक कलर। सबसे पहले मैंने ऊपर येलो कलर रखा, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद हाथों से थोड़ी सी मिक्स कर दो, मस्त शाइन देता है मतलब हेयर जैसा। आप पेंसिल कलर, ब्राउन पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो तब सही रहेगा। और फिर हमने जो उसका जो कपड़े का है वो उसमें हमने येलो कलर यूज़ किया है, ग्रीन कलर यूज़ किया है,
और पहले येलो कलर यूज़ किया, उसके बाद डार्क ग्रीन, उसके बाद येलो। जहाँ पे मेरे को शाइन चाहिए वहाँ पे येलो, और जहाँ पे हमें डार्क करना है वहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ किया। वैसे सच कहें तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, यह छोटा सा है ना फेस वगैरह, जो पेंसिल कलर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम कोशिश करें कि ऑयल पेस्टल का भी यूज़ ज़्यादा हो। ऑयल पेस्टल से शाइन जो आता है तो वो तो आप जानते हो कितना एकदम स्मूथली शाइन आता है पेंसिल के अकॉर्डिंग। सो हमने ज्वेलरी बनाने के लिए येलो कलर यूज़ किया है और वाइट कलर यूज़ किया है, और एक येलो डार्क ही येलो जैसा कलर है, गोल्डन जैसा है, सो वो यूज़ किया है पेंसिल से, और ब्लैक पेंसिल कलर और ग्रीन पेंसिल कलर और रेड पेंसिल कलर, जहाँ जहाँ मेरे को लगा है वहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है उससे। और जब कपड़े की शाइनिंग के बारे जो बॉर्डर है उसको, सबसे पहले तो मैंने वाइट कलर यूज़ किया है, उसके बाद येलो कलर यूज़ किया है डार्क जो गोल्डन कलर का है, और जहाँ पे आपको चांस चाहिए ना वहाँ पे आप वो वाइट कलर ही रहने देना, बिकॉज उससे बहुत सही रहेगा। आप उस पर भी कर दोगे तो आपको शाइन नहीं आ पाएगी। सो वहाँ पे हमने छोड़ दिया है, और दोनों साइड का कलर मिक्स के हाथों से थोड़ी सी वो कर दिया है, थोड़े से हाथों से ब्लेंड कर दो, कह दो थे किसी ब्लेंडिंग टूल के हाथ है ही, तो हमें नहीं लगता कि ब्लेंडिंग टूल की ज़रूरत पड़ती है हमको। हम तो, आप तो जानते हो, हम तो ब्लेंडिंग टूल यूज़ ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद हमने रेड कलर से पूरा कपड़ा और येलो कलर से मिक्सिंग से बनाया है, और हाथ बनाने के लिए तो स्किन कलर ब्राउन कलर और रेड कलर की पेंसिल। मेरे को लगता है कि मैंने हाथ अच्छे से नहीं बनाया, बिकॉज छोटे छोटे पेंसिल कलर से छोटे छोटे स्पेस है ना, तो ऑयल पेस्टल से बनाना उतना ईजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं और बना रहे हैं, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा मेरे को इसको बनाने में। आपको लग रहा होगा कि ये तो थोड़ी देर का काम है, तो बिल्कुल नहीं, मेरे को इसको बनाने में 3 दिन लगा है, और 3 दिन ऑलमोस्ट हमने इस पर 3-4 घंटा भी इस पर काम किया है। छोटे छोटे ऑयल पेस्टल से बनाने में बहुत दिक्कत होता है, एक एक पार्ट को देखो, जहाँ पे शाइन चाहिए वहाँ पे 2-3 बार कलर रगड़ो तब बनता है ना। सो हमने लोटस बनाया है, लोटस पेंसिल कलर पिंक कलर यूज़ करके बनाया है, डार्क पिंक और वाइट। और जो मटकी है, मटकी को जो शाइड जो शाइनिंग एरिया वहाँ पे वाइट करके बीच में गोल्डन कलर यूज करके, और जो साइड में है वहाँ पे लेमन येलो यूज किया है, सो उससे थोड़ी शाइन आ जाएगी ड्राइंग में। सो वैसे आप सब दिवाली के लिए कुछ ना कुछ बना रहे हो, और हमारी लक्ष्मी जी की ड्राइंग है, सो कैसी लगी ड्राइंग ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, सो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कितने 14-15 मिनट की वीडियो है, और बनाना भी है कलर करके, और ऑलमोस्ट ड्राइंग तो बन ही गई है, और थोड़े बहुत ही बच्चा है ड्राइंग में। और जो वहाँ पर लिप है जो मटके के अंदर है, और जो एक नारियल है ब्राउन कलर यूज़ करके, उसमें मैंने येलो कलर वाइट कलर यूज़ किया है, और जो अंदर जो मटके के अंदर जो डिज़ाइन है वो हमने ब्राउन कलर से यूज़ किया है, पेंसिल कलर ब्राउन पेंसिल कलर। वैसे आप नोटिस किए होंगे ब्रुष्टो का जो कलर मिलता है वो बहुत महंगा होता है, लेकिन काफ़ी बहुत स्मूथली किसी भी चीज़ पे बहुत अच्छा चलता है, और हमारा जो कलर वो तो सस्ता है, सस्ता कलर से भी बनाने का मज़ा ही कुछ और है। और अब हम बनाने जा रहे हैं उसका चुन्नी, और उसके लिए हमने येलो कलर वही टेक्निक यूज़ किया है, येलो कलर फिर वाइट कलर फिर लेमन येलो कलर, ये तीनों को मिक्स करके शाइन दे करके बनाया है। तो ये बनाने में बहुत मज़ा आया सच्ची, मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही लगा, थोड़ी सी कलर यूज़ करो उसके बाद हाथों से मस्त फिनिश कर दो, और कुछ नहीं कहना, और इसे टेक्निक से हम बना रहे हैं पूरे के पूरे ड्राइंग। अगर आपको भी ऐसा ड्राइंग बनाना है तो आप बना करके आप इसी मतलब इसी टाइप के बना करके आप
मैं को आप इंस्टाग्राम में मेंशन कर दो या फिर टैग कर दो, तो हम देखेंगे आपके ड्राइंग, और आपको कहीं दिक्कत आए तो हमें बताना ज़रूर कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हम सबका मैसेज सेंड करते हैं। तो हमने ये ऑलमोस्ट डन कर लिया है और आप देख रहे हो कितना स्मूथली बना है, और सच्ची बहुत अच्छा लगा बना करके। ये ड्राइंग बनाने को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बनाने में, क्योंकि इसमें ऐसे ड्राइंग हम ज़्यादा बनाते नहीं हैं, मतलब छोटे छोटे ड्राइंग। आप जब देखे होगे कि ज़्यादा हम पोर्ट्रेट ही बनाते फेस वाले, और ऐसे ट्रेडिशनल वाला ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो कभी कभी बनाते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है बनाने में, सच में बहुत अच्छा लगा बना करके। सो देखते रहे वीडियो को लास्ट तक देखना। हम टाटा बाय बाय। और आप भूलना मत, अगर आपको ऐसा बनाना है तो आप ऐसा बना करके मेरे को इंस्टा पे ज़रूर से ज़रूर टैग करना, हम देखेंगे सबकी ड्राइंग। और लाइक कर देना, शेयर करना हो जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर कर देना, वरना आप देख लो कैसा है। ठीक है, तो अच्छा अच्छा ड्राइंग बनाते रहिए। टाटा बाय बाय। हाँ, यहाँ पे हम जाते जाते कुछ बोलना चाहते हैं, देखो जहाँ पे डार्क एरिया है ना, वहाँ पे ब्राउन कलर करना भूलना मत। ब्राउन कलर सबसे बेस्ट लगता है हमको यूज़ करने में, वो बनाने वो ब्राउन कलर यूज़ करने के बाद किसी भी कलर को यूज़ करके मस्त से बना लो। सो देखते रहिए वीडियो को।